आज हम बात करेंगे लीनियर एक्सीलरेटर पर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम जो है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेटर है तो नाम से ये पता चलता है कि ये चार्ज पार्टिकल को जो है एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है उस पर हम चर्चा करेंगे, और अंततः जो है इसका हम वर्किंग भी देख लेंगे। तो इसके कंस्ट्रक्शन में देखें तो यहां पर जो है ये एक आयन सोर्स है जो कि यहां से जो है पॉजिटिव आयन को या कहें जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो है यहां से ये निकालता है। और यहां पर देखें तो ये एक सिलेंडर है, चलिए इस सिलेंडर को मान लेते हैं ये सी वन, और यहां पर ये जो दूसरा सिलेंडर है इसे मान लेते हैं ये सी टू, और यहां पर ये तीसरा सिलेंडर है सी थ्री, और यहां पर ये चौथा सिलेंडर है सी फोर। मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही सिलेंडर जो है ये हॉलो हैं, अंदर से ये खाली है, और यहां पर ये है टारगेट, इसी टारगेट को जो है जाकर के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हिट करता है। और यहां पर देखें ये जो है ये एक हाई फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स है, इसे हम ऑसिलेटर भी कहते हैं। यहां पर देखें ये सी वन और सी थ्री, ये ऑड नंबर का सिलेंडर है, तो इसे जो है इस एसी सोर्स के इस सिरे से जोड़ा गया है। और यहां पर ये जो इवन नंबर का सिलेंडर है सी टू और सी फोर, इसे जो है इसे इसी ऑसिलेटर के जो है इस सिरे से जोड़ा गया है। और यहां पर ये जो हाई फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स है इसके लिए जो है यहां पर ये रहा वेव फॉर्म। तो अब यहां मैं आपको बता दूं कि अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये वाला निगेटिव हाफ साइकिल है, तो इस पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर सी टू जो है सी टू और सी फोर हायर पोटेंशियल पे हुआ और सी वन और सी थ्री जो है ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ, तो फिर अगला जब ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस समय यही सी टू और यही सी फोर निगेटिव पोटेंशियल पे होगा, मतलब लोअर पोटेंशियल पे होगा, जबकि सी वन और सी थ्री उस समय हायर पोटेंशियल पे होगा। तो ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये दो प्लेट्स है, चलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि ये दो प्लेट है और इन दोनों ही प्लेट के बीच का यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है यहाँ पर डी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है इस प्लेट को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर इस प्लेट के अंदर वाले फेस पर रिसाइड करेगा, सो यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज। और हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है इस प्लेट को दे दिया निगेटिव चार्ज, सो यही निगेटिव चार्ज जो है यहां पर अंदर वाले फेस पे रहेगा, तो ये जो है ये हो गया निगेटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ये होगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पॉजिटिव साइड से निकलेगा और निगेटिव चार्ज में जाकर के समाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव चार्ज में जाकर के ये समा रहा है कुछ ऐसे, तो यहां पर जो है ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों ही प्लेट के बीच में। यहां पर मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन इन दोनों ही प्लेट के बीच का, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया ये है वी। तो अब यहां पर हमने मान लिया कि जो है इस प्लेट पर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है ये हमने मान लिया कि ये चार्ज है प्लस क्यू, सो ये जो चार्ज है ये हमने मान लिया कि यह है प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में यहां पर जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जो है इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा, दैट मीन ये एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि इसका लगातार स्पीड बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। तो हमने ये मान लिया कि जब ये चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर पहुंचता है इस प्लेट पर, तो इस समय इसका जो यहां पर वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, चलिए स्पीड मान लेते हैं कि ये यह है यहां पर वी। तो यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब इसका स्पीड वी है तो उस समय यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि इसका जो मास है ये मास है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू जो इसका स्पीड है उसका स्क्वायर, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां पर ये जो सिस्टम है ये यहां से यहां तक लाने में जो काम करेगा उसी के बराबर।
तो यहां पर कितना काम होगा, यह होगा हमें पता है कि वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना है, चार्ज है क्यू, तो यहां पर चार्ज हो गया क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो यहां पर जो है इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वी होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू वी डिवाइडेड बाय एम के। तो यहां पर ये होगा इसका स्पीड, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो वर्किंग है उसे देखेंगे। तो वर्किंग को समझने के लिए अभी हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एसी सोर्स है इसका ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। ये मान लें कि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसकी मैं बात कर रहा हूं। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल कितनी देर तक रहेगा, इतनी देर तक रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इतने समय तक यहां पर ये जो साइड है ये हायर पोटेंशियल पे और ये साइड जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो उस केस में अगर आप देखें तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा और चूंकि ये C1 जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है तो यहां पर इस साइड देखें तो ये नेगेटिव होगा। उसी तरह से यहां पर ये पॉजिटिव होगा और यहां पर ये नेगेटिव होगा और यहां पर देखें ये पॉजिटिव होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखें किस डायरेक्शन में बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये होगा इस डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ और ये हो गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब यहां से ये जो आयन सोर्स है हमने ये मान लिया कि यहां से जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो है यहां से इंजेक्ट करता है। आप पॉजिटिव आयन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से जो है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो है यहां से ये इंजेक्ट करता है, निकालता है। तो अब यहां पर देखें अगर यहां पर है अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जो है इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेट करेगा और इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने मान लिया कि जब ये चार्ज पार्टिकल जो है यहां पर इस सिलेंडर में जो है यहां पर इंटर करता है, जब ये इंटर करता है तो इस जगह पर जो इसका वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली, सो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमने मान लिया कि यहां पर ये है V1 जब ये इंटर करता है। तो यहां पर V1 है। तो अगर हम देखें V1 किसके बराबर होगा, तो V1 हम पता कर सकते हैं कैसे, यहां पर जब ये इंटर किया है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि इसके पास एक स्पीड है और इसका मास है, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा ये होगा हाफ इंटू मास इंटू यहां पर जो इसका स्पीड है उसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर इसका जो चार्ज है, चार्ज को हम चलिए मान लेते हैं चार्ज है यहां पर ई। सो चार्ज को हमने मान लिया कि यह है ई इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जैसे कि हमने यहां पर किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहां पर मान लिया है यह है वी। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने माना है वी। तो अब यहां पर यह हो जाएगा वी के बराबर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो V1 होगा ये V1 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2EV डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो मास है ये, तो ये होगा यहां पर V1। तो अब यहां पर इस सिलेंडर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी नहीं होगा। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा इस सिलेंडर के अंदर तो फिर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, अर्थात ये इसी V1 स्पीड के साथ जो है इसके अंदर मूव करेगा। और जब ये चार्ज पार्टिकल जो है यहां पर इस सिलेंडर से बाहर निकलेगा तो इस समय निकलते समय इसका यहां पर जो स्पीड होगा वो बड़ा ही क्लियर है कि वो यहां पर V1 ही होगा। तो अब अगर यहां पर V1 स्पीड से आगे बढ़ेगा तो यहां पर देखें इस गैप में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अपोजिट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके स्पीड को घटाएगा,
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसलिए यहां पर ये जो पोलैरिटी है यही बदल देते हैं। सो हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पर खत्म हो गया, अब यहां पर शुरू हो गया ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहां पर जो है ये पोलैरिटी बदल गया, अब यहां पर जो है ये साइड हो गया नेगेटिव और यहां पर ये साइड हो गया पॉजिटिव। अब जैसे ही ऐसा होगा तो यहां पर जो है यहां पर ये सारे जो है ये चेंज हो जाएंगे। अब यहां पर जो है यहां पर अब जो है ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और उसी तरह से यहां पर देखें ये हो गया नेगेटिव और यहां पर ये हो गया पॉजिटिव और यहां पर जो है ये होगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन यहां पर ये कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे, और यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसी स्पीड के डायरेक्शन में हो गया, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। तो अब यहां पर ये फिर से जो है इस गैप में एक्सेलरेट करेगा और इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने मान लिया कि जब ये चार्ज पार्टिकल जो है इस सिलेंडर के अंदर C2 के अंदर इंटर करता है तो यहां पर इसका स्पीड बढ़ करके हो गया V2। ऑब्वियसली ये जो V2 है ये V1 से बड़ा होगा, तो यहां पर ये हो गया V2। तो यहां पर V2 किसके बराबर होगा, तो यहां पर जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो देख ले किसके बराबर होगा। तो आप यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ इंटू इसका जो मास है इंटू यहां पर इसका ये जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो स्पीड क्या है V2, तो यहां पर हो गया V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये नहीं होगा कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस गैप में, इस गैप में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा, ई इंटू भी बढ़ा, और यहां पर इस गैप में कितना बढ़ा था, ई इंटू भी बढ़ा था। तो ई इंटू भी इसके पास पहले ही से था, और जब इस गैप में ये ट्रेवल किया, मूव किया, तो इसका E into V और बढ़ गया, तो अब जुड़ जाएगा दोनों, तो यहां पर होगा 2 E V के बराबर। तो आप यहां से अब ये पाएंगे कि ये जो V2 है ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर यहां पर होगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 V E डिवाइडेड बाय M के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो V2 है ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें ये V1 के बराबर है, तो यहां पर ये हो गया V1। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो V2 है, ये जो V2 है ये V1 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुना है। तो अब जब ये इस सिलेंडर C2 के अंदर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो यहां पर इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये इसी V2 स्पीड के साथ जो है यहां पर इसके अंदर ऐसे मूव करता है, और जब यहां पर इस सिलेंडर से बाहर निकलेगा तो उस समय इसका स्पीड, निकलते समय इसका स्पीड V2 होगा, लेकिन यहां पर जैसे इस गैप में इंटर करेगा वैसे यहां पर ये पोलैरिटी बदल लेता है इसी सोर्स, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाता है, जिससे कि यहां पर फिर से ये इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है और इसका स्पीड जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये प्रोसेस जो है ये लगातार ऐसे चलता रहता है, और अंततः जो है यहां से जो है यहां से इस सिलेंडर से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बाहर निकलता है और जो है यहां पर इस टारगेट को हिट करता है। तो ये तो रहा इसका वर्किंग। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि कुल n सिलेंडर है, तो जब n सिलेंडर होगा तो अंत वाला जो nवां सिलेंडर होगा तो उससे जो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसका स्पीड क्या होगा। सो इसी से हम यहां से कह सकते हैं कि जो vn होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्योंकि वी टू के लिए स्क्वायर रूट ऑफ टू हो रहा है, तो यहां पर वी एन के लिए जो है यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एन। अगर आप वी थ्री के लिए पता करेंगे तो यहां पर होगा थ्री। तो यहां से हम ये कह देंगे कि वी एन बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एन, फिर यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ टू वी ई डिवाइडेड बाई एम के।
और अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये होगा हाफ इंटू मास इंटू यहां पर ये जो वी एन है इसका स्क्वायर इक्वल टू यहां पर होगा एन वी ई, क्योंकि एक गैप में देखें तो उसका जो एनर्जी बढ़ता है वो भी बढ़ता है, दूसरे गैप में देखें तो ये टू भी बढ़ता है, तो तीसरे गैप में थ्री ई भी होगा, तो एन गैप होगा तो फिर वहां पर ये एनर्जी इतना बढ़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी यहां पर ये कुछ इतना हो जाएगा। तो अब देखें यहां पर लगातार इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे हम ये पा रहे हैं कि सिलेंडर का जो लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखें यहां पर ये जो एसी सोर्स है इसका जो टाइम पीरियड होता है ये फिक्स होता है, हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये बराबर होता है 2π/ω के, तो जो टाइम पीरियड का आधा होगा T/2 ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहां से हम कह सकते हैं π/ω के। तो हमें पता है कि इतने ही टाइम तक जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, उसके बाद ये निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड यहां पर फिक्स है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो जो टाइम होगा ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो उसका जो स्पीड होता है वो। तो अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो ऐसे केसेज में अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये जो डिस्टेंस है इसे उसी रेट में बढ़ना होगा ताकि इन दोनों का जो रेशियो है वो यहां पर कांस्टेंट रहे। तो इसीलिए हम यहां पर जो है लेंथ को बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो बढ़ता जाता है, ताकि टाइम पीरियड यहां पर जो है ये कांस्टेंट रह सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।